यूज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है, एक नया फीचर यूट्यूब ने लॉन्च किया है कि जिसकी मदद से आप अपने चैनल के ऊपर जो है वो व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। लाखों के हिसाब से आपके जो व्यूज़ हैं वो आएंगे, अपने चैनल को खुद आप वो प्रमोट करेंगे, अपनी वीडियो को आपने वो प्रमोट करना है। अब आपको किसी की भी वो मिन्नत माजद वो नहीं करनी पड़ेगी। ये फीचर आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आपने इसको वो यूज़ करना है, सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सीखने को हुआ बहुत कुछ मिलता है और YouTube से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपसे वो शेयर करता है, चाहे वो छोटी हूँ चाहे वो बड़ी हूँ। तो अब हम चलते हैं, अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसको हमने वो ओपन कर लेना है और वहाँ पर जो अपना जो वाइट स्टूडियो है उसको हमने वहाँ से ओपन करना है और वहाँ जाके हमने ये सारा कुछ सीखना है कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसका जो पूरा तरीकाकार है वो सारा मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। तो यहाँ हमने क्रोम के अंदर अपना जो है वो वाइट स्टूडियो को ओपन कर लिया है। उसके बाद ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। तो हमारे जो वीडियो आ गई हैं ये ऊपर एक आपको बाहर नज़र आ रही है जहाँ वो लाइव लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो प्रमोशन वाला है, यह एक नया फीचर आया है। इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का वो इंटरफेस आ गया, हमारी एक जो वीडियो है वो हमें वो यहाँ शो हो गया है। तो उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर हम वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है गूगल एडसन का जो है वो शो हो रहा है आईडी जो है। यहाँ अगर आपका कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है तो यहाँ से आपने एक नया जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो उसके बाद हमने ये जो नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। तो उसके बाद हमें ये कह रहा है कि आपने कोई यहाँ से कोई वीडियो वो चूज़ कर लेनी है जिसके ऊपर आपने वो कंपेन अपनी वो चलानी है। तो यहाँ पे जो हम फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से हम वो कोई एक आध वीडियो ले लेते हैं कि जिसके ऊपर हमने अपनी जो वो कंपेन वो यहाँ से वो रन करनी है, जिसके हमने वो सब्सक्राइबर या हमने वो व्यूज़ वगैरह जो हमने वो बढ़ाने हैं। तो यहाँ से मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ जिसको हमने वो प्रमोट करना है। तो आपने कोई ऐसी वीडियो लेनी है कि जिसके ऊपर आपने वो कंपेन चलानी है, तो मैं यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ। तो ये वीडियो मैंने वो ले लिया है। तो उसके बाद यहाँ हमने वो नेक्स्ट करना है। तो ये देखें, हमसे वो पूछ रहा है कि आपने किस कंट्री के अंदर अपनी जो है ये वीडियो दिखानी है अपने व्यूवर्स को। तो हम यहाँ से जो है वो इंडिया और पाकिस्तान वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उर्दू वो समझी जाती है, हमारी जो लैंग्वेज है। तो उसके बाद ये जो यहाँ पे मैं जो है उर्दू वो टाइप कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे वो मैं उर्दू हमने वो सिलेक्ट करनी है। तो आपने भी अपने हिसाब से वो अपने वो अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद हमने वो यहाँ नीचे आ जाना है, हमने वो नेक्स्ट कर देना है। तो हमने जैसे इसको नेक्स्ट किया है तो ये देखें, हमसे ये पूछ रहा है कि आप इसके अंदर कितने वो पैसे वो लगा सकते हैं। यहाँ जो हमारी कंट्री है वो पाकिस्तान है, तो ये रुपीज़ में आ गया है। तो यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि इस वीडियो के अंदर आपके जो है वो 6000 लगने हैं, तो जो पर डे है वो आपका वो 400 लगेगा। तो अगर आप पैसे कम करना चाहें तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2000 के अंदर यहाँ पर इसको जो है ना वो प्रमोट करूं अपनी वीडियो को, इसके अंदर जो हमने वो इश्तिहार वाला वो चलाने हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो 2000 इसके अंदर वो मैं टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो 2000 वो कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो है पैसे आपने वो ऐड करना है, अपनी वीडियो के हिसाब से आपने करना है। तो उसके बाद हमें ये कह रहा है कि 4 दिन तक इससे आप अपने दिन बढ़ा सकते हैं, आपने वो 4 दिन करनी है, 5 दिन करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो है हम सिर्फ 2 या 3 दिन यहाँ हमने वो सिलेक्ट करने हैं, ज़्यादा हमने उसको वो नहीं चलाना। तो यहाँ पर मैं ये देखें मैंने वो सिलेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये देखें नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पे हमने नेक्स्ट करना है, ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम वो क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर वो क्लिक करेंगे तो ये एक नया वो प्रोसीजर शुरू हो गया है। हमें अब ये बिलिंग पे लेके जाएगा कि आपने पेमेंट किस तरीके से वो करना है। ये देखें ऊपर जो है लास्ट पर बिलिंग का वो ऑप्शन आ गया,
कि आपने किस तरीके से वो अदायगी करनी है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो ये देखें, एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है। तो आपने यहाँ पूरी इनकी जो है वो डिटेल है वो ये आपने वो पढ़ लेनी है कि आपने जो बैंकिंग के ज़रिए है वो किस तरह आपने करना है, डेबिट कार्ड से करना है या आपने वो क्रेडिट कार्ड से करना है। तो ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर हम वो क्लिक करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वो जूम करके ये दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपने सारा इसको वो आपने पढ़ लेना। तो ये तकरीबन हमारा 24 घंटे के अंदर अंदर ये हमारा जो है ऑर्डर वो लग जाएगा, जैसे हम इसके ऊपर वो पूरा क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं जो ये प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये देखें हमारे सामने ये आ गया है कि अदायगी का जो तरीकाकार यहाँ आपने वो शामिल करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर हम वो क्लिक करेंगे। यहाँ जो लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो यहाँ अपने जो क्रेडिट कार्ड का हम जो है वो नंबर यहाँ पे वो हमने वो ऐड कर लेना है। तो आपने भी इसी तरह यहाँ पे वो इसी तरीके से आपने जो है अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का अपने नंबर या वो यहाँ आपने ऐड कर देना है। तो उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है ये वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। पहले ये था कि हम गूगल एडसन के ऊपर जाके अपनी ये कंपेन को जब रन करते थे वहाँ पर एक लंबा प्रोसीजर था जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन यूट्यूब ने हमें ये नया वाला जो फीचर दिया है बिल्कुल नहायत ही आसान है। इससे आप अपने चैनल को वो प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।